नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन कुरुचि में आपका स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ की कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक के बारे में, जो कि आपके आने वाली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखनी चाहिए। और हाँ, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को आपको भी सोल्व करना है और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तीन छोटे छोटे गोले जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का एक आसान सा तरीका है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 3 है, इसका क्यूब कर दो यानी घन, जमा में 4 है, 4 का क्यूब कर दो, जमा में 5 है, 5 का क्यूब कर दो, और फिर इस सारे का अंडर क्यूब। ठीक है, 3 3 9, 9 3 27, 3 का क्यूब क्या हो गया 27, 4 का चौकी चौकी 16, 16 चौकी 64, और 5 का पंजू पंजू 25, 25 पंजा 125। अब इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आ गया 216। तो 216 किसका क्यूब है, 6 का, क्यों, छिको छिको 36, 36 छिका 216, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, है ना सिंपल। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है, ए और बी मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ लिख सकते हैं, बी को 42 पृष्ठ लिखने में वक्त लगेगा। देखिए, जो ए है ये 75 पृष्ठ लिखता है 25 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने लिखेगा, 25 या 75, यानी जो ए है ये लिखता है 1 घंटे में 3, और जो ए बी हैं ये कितने लिखते हैं 135, कितने घंटे में 27, काट दो 27 पंजे 135, यानी जो ए और बी हैं ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने पृष्ठ लिखते हैं, 5। अब हमें बताना क्या है, बी है ना, जो बी ये 42 पृष्ठ कितने घंटे में लिखेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ए बी में से 1 हटा दें तो क्या बच जाएगा, बी, तो घटा देंगे, ए बी कितना है 5 और ए कितना है 3, तो घटाने पर क्या आ गया 2, यानी बी 1 घंटे में कितने पृष्ठ लिखता है 2, और कुल पृष्ठ कितने लिखने इसको 42, तो 42 कितनी देर में लिखेगा, भाग कर देंगे 42 की 2 से, 2 2 4, 2 1 2, कितना आ गया 21, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 21 घंटे, आंसर 3। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नल एक ओस को एक्स घंटे में भर सकता है तथा दूसरा इसे वाई घंटे में खाली कर सकता है, वे एक साथ इसे कितने घंटे में भर सकते हैं यदि वाई बड़ा है एक्स से। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का एक आसान सा तरीका है, बिल्कुल सो ट्रिक, एक्स और वाई हैं, ऐसे कैसा लिख दो एक्स वाई, और फिर पीछे से वाई माइनस में एक्स, बस इतना लिखना है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सबसे पहले तो एक्स वाई गुणा में, और फिर वाई पहले माइनस में एक्स, जो भी आए ये आंसर हो गया। अब देखो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहले वाले में, तो ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सीधा ही आएगा, ऐसे कैसे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए 300 में ठेका लिया गया, ए अकेला उस काम को 8 दिनों में, बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से वे काम 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी को मजदूरी मिलेगी, हमें बतानी है सी की मजदूरी। देखो, ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। अब हम ले लेंगे ऐसी संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी भाग हो जाए, हमने ले लिया 24, अगर 24 की 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 या 24, अगर 24 की 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12 दूनी 24, अगर 24 की 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 6 24। कहने का मतलब ये है, ए अकेला 1 दिन में कितने काम करता है 3, और बी 2, ए बी और सी कितने करते हैं 6। अब हमें बताना है सी की मजदूरी, अगर हम ए बी सी में से ए बी घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी
तो ए बी सी कितना है, 6 माइनस ए बी कितना है, 3 और 2 5, तो कितना आ गया 1। अब देखो ए कितना है, 3, बी 2 और सी कितना आ गया 1, और कुल रुपए कितने मिलते हैं, 300। इन सभी को मिलते हैं 300, और ये सभी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, 300/6। अब हमें जिसका निकालना है उसको कर देंगे गुणा में, निकालना किसका, सी का। सी कितना काम करता है एक दिन में, 1, गुणा में कर देंगे 1, तो काट दो, 6 पंजे 30, 0 की 0, तो कितना आ गया 50। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में, 48% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए तथा 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए इसको करने का एक आसान सा तरीका है, पहले जो पास वाले हैं इनको जोड़ दो, 65 और 48 113, इसमें से घटा दो जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, कितने हैं 30, कितना हो गया 83। अब ये किसकी संख्या आ गई, पास बच्चों की, लेकिन हमें निकालनी किसकी है, फेल यानी अनुत्तीर्ण बच्चों की, तो हम क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे किसको, 83 को, कितना बच गया 17। ये क्या हो जाएगी, अनुत्तीर्ण बच्चे, आंसर क्या हो गया ए, है ना सिंपल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो गंतव्य तक 15 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, उसकी यात्रा की दूरी बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कर दो इनकी गुणा, 6 गुणा 4 और फिर 2 घटा, 6 माइनस 4, ऐसा कर दिया, और फिर उसके बाद गुणा का निशान, जो मिनट है ना ये इनको जोड़ दो, 15 और 10 25, ये क्या है मिनट, लेकिन ये किस में है, घंटों में, तो हम क्या करेंगे बटे में कर देंगे 60। अब जो कटता उसे काट दो, जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो 6 चौका 24 बटे में, 6 में से 4 गया 2, गुणा में 25/60, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, तो कितना आ गया 5। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, और ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 12 घंटे में पहुंचती है, यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती। देखो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, 7/11 ये क्या है, चाल, गुणा में कर देंगे समय, समय कितना है 22 घंटे, बस 11 दूनी 22, तो क्या आ गया 14, यानी उसने कितना समय लिया, 14 घंटे। और जो 7/11 है ना, जो 11 तो है सामान्य चाल और जो 7 है इस चाल से चली है, 7 की चाल से चली तो कितनी दूरी तय की, 14, यानी 2 गुणा, तो अगर 11 की चाल से चलती तो कितनी करती, 22, सामान्य चाल से करती 22 और वैसे की 14, घटा देंगे जो आएगा वो क्या हो जाएगी हमारी बचत, क्या हो गया 8, यानी 8 घंटे की बचत हो जाती अगर वो सामान्य चाल से चलती, तो आंसर क्या हो गया 3। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, 6 वर्ष बाद राशि 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में राशि 8 गुनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या, चक्रवर्ती ब्याज, और राशि 6 वर्षों में कितनी होगी, 2 गुनी। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, सिंपल सी ट्रिक है, क्या करना है, 6 वर्षों में होती है वो 2 गुनी, तो 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 4 गुनी, और 6 18 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 8 गुनी, यानी 6 वर्षों में क्या हो रही है, डबल, तो 6 वर्ष में 2 गुनी, 12 वर्ष में 4 गुनी, और फिर 6 जोड़ेंगे 18, 18 वर्ष में 8 गुनी, तो हमें बताना क्या है, 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, तो कितने में होएगी, 18 में, आंसर क्या हो गया सी। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी ट्रिक समझ में आ गई होंगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें और ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ के साथ ये भी कमेंट करें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।